प्रचंड गर्मी के दौर में मैदानों में बिजली की बढ़ती खपत को पूरा करने में देश की सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 1500 मेगावाट की इस परियोजना से वर्तमान में 1500 के मुकाबले 1650 मेगावाट बिजली तैयार कर उत्तरी भारत के 9 राज्यों को सप्लाई की जा रही है। इसी तरह 412 मेगावाट की रामपुर परियोजना से भी 450 मेगावाट बिजली तैयार किया जा रहा है। केंद्र और हिमाचल के संयुक्त उपक्रम SJVN ने लॉकडाउन समस्या के बावजूद भी बीते वर्षों के मुकाबले बेहतर बिजली उत्पादन किया है। इस बार अब तक सतलुज नदी का जल स्तर जहां तेजी से बढ़ रहा है, वहीं सतलुज नदी में सिल्ट की मात्रा में बढ़ोतरी नहीं हुई है। ऐसे में सिल्ट कम होने से बिजली उत्पादन सुगमता से किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि नाथपा झाकड़ी परियोजना की विद्युत उत्पादन इकाइयों को सतलुज नदी में सिल्ट की मात्रा 4000 पार्ट पर मिलियन से अधिक होने पर नुकसानी की संभावना को देखते हुए परियोजना को बंद किया जाता है। नाथपा झाकड़ी पावर स्टेशन के महाप्रबंधक RC नेगी ने बताया कि नामक स्थान में सतलुज नदी में सिल्ट 2400 ppm जल स्तर 148 क्यूमेक्स है, जबकि स्पीति नदी में 2000 पार्ट पर मिलियन सिल्ट और 281 क्यूमेक्स मिलियन यूनिट पानी। नाथपा बांध स्थल में 1000 ppm सिल्ट और 1200 क्यूमेक्स पानी का बहाव है। उन्होंने बताया कि रोजाना विद्युत उत्पादन 1500 मेगावाट की नाथपा झाकड़ी से 39.19 मिलियन यूनिट व 412 मेगावाट की रामपुर परियोजना से 10.78 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन किया जा रहा है। इस वक्त खाप में सतलुज रिवर में 2400 ppm सिल्ट चल रहा है और 148 क्यूमेक्स डिस्चार्ज है। उसी प्रकार स्पीति रिवर में भी 2000 के आसपास ppm सिल्ट है और 281 मेगा क्यूमेक्स वो है डिस्चार्ज। नाथपा डैम में 1000 ppm इसका सिल्ट है और 1200 क्यूमेक्स इसकी डिस्चार्ज है। नीचे जनरेशन इस वक्त नाथपा झाकड़ी में 1640 मेगावाट कर रहे हैं और 450 मेगावाट रामपुर में चल रहा है।